सर मैंने एक फिल्म की थी पहले हम बच्चे हिंदुस्तानी, उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल था मेरा। और वो फिल्म के जो डायरेक्टर है वो और हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये जब उन्हें कंसेप्ट आया था कि हमें एक फिल्म करनी है अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध, तो उसके लिए उन्हें जो कैरेक्टर्स चाहिए थे वो कैरेक्टर छाने के लिए उन्होंने वो डायरेक्टर साहब से बात की, और उन्हें तब मेरा एड्रेस मेरा रेफरेंस मिला था, तब जाके उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। और उसके बाद में हमने फिर मैंने ऑडिशन दिया कॉस्ट्यूम में, मैंने अपना ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर सिलेक्ट किया गया। हाँ, मैं इस फिल्म में मेरा सेनापति का रोल है, जो शाक्य राज्य है उस राज्य का मैं सेनापति हूँ। सर जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तो सर ने मुझे भगवान बुद्ध एंड हिज धम्मा जो बुक है वो बुक दी थी मुझे पढ़ने के लिए, और वो बुक मैंने करीबन 3 बार पढ़ी, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्शन थे सर की तरफ से मुझे 3 बार, जब तक पढ़ता नहीं तब तक शूट चालू नहीं होगा ऐसा स्ट्रिक्टली कहा गया था। और जब 3री बार मैंने बुक पढ़ा तब मुझे वो रियलाइज़ होना कि होने लगा कि अभी मैं मतलब ये रोल परफॉर्म कर पाऊँगा। एक्टिंग करियर के लिए तो ये हमारी शुरुआत कह सकते हैं, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 100% अपनी तरफ से रोल उतारने की। लेकिन बात यह है कि भगवान बुद्ध का रोल ना कोई कर पाया था ना कोई कर सका, अपनी तरफ से 100% कोई नहीं दे पाया, क्योंकि भगवान बुद्ध एक ही हुए थे और एक ही रहेंगे। फिर भी गौतम बुद्ध की सरजमी पे जो लोग घायल हुए हैं और उसमें से कुछ मरे हैं, मैं उन्हें शहीद कहना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पवित्र भूमि है। और जो ऐसे लोग जो मतलब दहशतगर्दा लोग जो देश में ऐसे नए नए फसाद फैला कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक दूसरों के प्रति मतलब एक जहरीली भावना पैदा कर रहे हैं, ये एकदम गलत बात है। किसी के गिरजाघर मुस्लिम मतलब मस्जिद गिरजाघर मंदिर ऐसी जगहों पर ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए और कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है और गौतम बुद्ध ने भी यही संदेश दिया है, और ये जो ब्लास्ट जो हुआ है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे भविष्य में कभी ना सामने आए, ऐसे भविष्य में ना कभी ऐसे चित्र दिखे ऐसी मतलब अपेक्षा करते हैं। सर इस बात की तो हम निंदा ही करेंगे, क्योंकि शांतिप्रिय लाइफ जीने वालों में बुद्धगया का नाम है, और वहाँ अगर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, और लोगों को परेशान करना और लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ आतंक भरना इन लोगों का काम है, तो हम लोग इस बात की कड़ी निंदा करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लोग अगर ये मूवी देखे तो उनकी ज़िंदगी में ज़रूर प्रभाव पड़ेगा इस मूवी का, और उनके जीवन में भी परिवर्तन होगा, ये हमारा दावा है।